गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। 19 तारीख और आज है होली। तो एक्चुअली होली कल से स्टार्ट हो गई है और कल मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और कल का दिन में क्या होता है, जिस दिन फर्स्ट होली होता है ना, उस दिन हमारे घर में घर सब साफ किया जाता है, घर सब लीपा पोछा जाता है और पूजा वगैरह होता है। तो इसीलिए ना कल वो सब होते होते 2-2.5 बज गया था। उसके बाद हमने होली होली नहीं खेला, बस थोड़ा सा बस लगाए थे, पड़ोस के सब कोई आए थे, बस उतना ही। और आज है होली तो ना कल हम कुछ स्पेशल खाए नहीं थे, तो बाबा भी घर में नहीं है और कोई भी नहीं है, आपको पता है, सिर्फ माँ मैं और खुशी तीनों हैं। तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ी सी कुछ लाने के लिए, तो आस पड़ोस में भी देना पड़ता है क्योंकि वो भी हमें दे के गए हैं, तो देना तो हमें भी बनता है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ कुछ लाने के लिए। तो और अभी से मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, बने रहिएगा चैनल के साथ। और आज फुल डे में मैं क्या क्या करती हूँ सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ से। पूरा भूत बन गई हूँ मैं तो। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने सबको मिल के होली खेले हैं और मैं अभी चिकन बना रही हूँ इस हालत पे, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है और दोपहर हो गई है और यहाँ पे एक भैया काम कर रहे हैं, उसे भी खाना देना है। और मैं खुशी के लिए चिकन अलग से बना रही हूँ। हाँ, मैं बताई कि नहीं पता आज चिकन बन रहा है घर पे। तो मटन तो मैं खाते नहीं हूँ और बाबा खाते हैं, तो बाबा तो घर पे है ही नहीं और माँ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, खाता है बट पसंद नहीं है, उससे अच्छा चिकन ही पसंद है माँ को। तो मैं चिकन लेके आई, तो हमारे लिए अलग से बनेगा चिकन और खुशी के लिए मैं अलग से बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं खुशी के लिए बनाऊँ ना तो हम झाल नहीं दे सकते हैं और आज का चिकन थोड़ा सा मुझे झाल करने का मन है, इसीलिए मैं उसके लिए अलग से कुकर पे बना रही हूँ बिना झाल के। और हमारे लिए माँ बनाएगी और मुर्गी शायद अंडा दिया है तो बहुत जोर से बोले जा रहा है, इसलिए बस चिकन हो जाएगा। तो बस चिकन मेरा खुशी का हो गया, बस 2-3 सीटी मारने से ये रेडी हो जाएगा। और उसके लिए मैं चिकन योगर्ट से बनाई हूँ, यानी दही चिकन, दही चिकन। तो ये खुशी के लिए बस दिखाती हूँ मैं एक झलक आप सबको। और चलिए मैं भी नहा लूँगी, खुशी को भी नहा देना है, वरना ये जो रंग है ज़्यादा देर तक रखेंगे ना तो सिर दर्द होने लगता है। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में और एक झलक मैं दिखा देती हूँ खुशी के लिए मैं चिकन बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे खुशी के लिए चिकन मैंने पानी दे दिया है, बस इसे अभी 2-3 या 4 सीटी देने से ये हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं कुकर पर ढक्कन लगा देती हूँ और यहाँ पे आलू वगैरह कटा हुआ है और चिकन को माँ ने मैरिनेट करके रख दिया है। तो अभी माँ चिकन बनाएंगी और मैं जाऊँगी किसी को नहाने। तो चलिए मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत देर बाद मैं फिर से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज शायद मैं बहुत दिन बाद इस टी गार्डन के बीचों बीच खड़े होकर मैं बात कर रही हूँ आप सबसे। तो अभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है ना, तो उतना आने का मन नहीं होता है टी गार्डन तरफ। और क्या होता है ना, एक टाइप का कीड़ा होता है, वो ना मच्छर टाइप का ही होता है, वो ना छोटा छोटा होता है, मच्छर नहीं होता है बट वो भी काटता है मच्छर जैसे, तो वो बहुत तंग करता है, इसलिए मैं नहीं आती हूँ उतना। और होली का सब कुछ ख़त्म हो गया और इवनिंग को, मतलब शाम को हम कुछ बनाएंगे, कुछ मतलब बस थोड़ा सा खीर बनाएंगे। हमारे में क्या होता है, जो पीठा वगैरह पोवा पीठा ये सब बनाते हैं ना, वो सब हम नहीं बनाते हैं क्योंकि हम पोष संक्रांति में बना लेते हैं।
और बस इन्हीं खाने के लिए कुछ अच्छा अच्छा बनाते हैं बस उतना ही। तो दोपहर का तो चिकन हुआ था, चिकन होने के बाद बताए कितना लोगों ने खाना खाया हमारे घर पे आज। तो कीड़ा आ गया था फिर काटने के लिए, तो हमारे घर पे सबको ही मतलब मैं, माँ और अंकल और खुशी और जो काम कर रहे भैया उसका पूरा फैमिली आज आ गया था। तो हम आज का दिन में कोई घर में आता है और खाना नहीं खिलाए दोपहर में तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए सबको खाना वाना खिला दे बच्चों को भी। तो सबको खुशी से खाया, तो उतना कुछ दिन को नहीं बनाए थे, बस चिकन बंधा गोभी आलू का एक सब्जी और सैलड बस नहीं था। और सब कुछ ख़त्म हो गया रात के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर मेरे बाबा आ जाने आने की बात है, अगर बाबा आएंगे तो कुछ बनाना पड़ेगा, और तो कुछ बनाना पड़ेगा। अगर बाबा नहीं आए तो आज रात को बनाने का प्लान है, खीर बनाएगी माँ और बनाएंगे पूरी, तो आस पड़ोस में थोड़ा देने के लिए। तो चिकन भी देने का बात था, बट जिनके घर में हम देंगे ना उनका आज भेज है, आज सैटरडे है, सैटरडे को भेज रहता है बहुत किसी का, तो भेज है इसलिए हम चिकन नहीं दे सकते। तो गैस को पोछ पाछ के अभी खीर और जो पूरी है वो बना के देंगे, क्योंकि हमें भी दिया था कल, तो हमने कुछ भी नहीं दिया है। तो खाली मेरी माँ कैसी क्या करती है, अगर कोई कुछ देता है ना बर्तन में तो उसे खाली नहीं भेजती है, हमेशा कुछ ना कुछ दे के ही भेजती है। तो इसीलिए तो माँ का भी तबीयत उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, पैर का दर्द बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैं बोली उतना ज़्यादा क्या करना है। तो आप एक सब्ज़ी अगर हो सके तो एक सब्ज़ी देंगे बना के, बनाओ खीर और पूरी दे देंगे बस हो जाएगा। और अगर बाबा नहीं आए तो खीर और पूरी से हमारा भी हो जाएगा रात का, और कुछ बनाने का झमेला नहीं है। खुशी का चिकन है, खुशी के लिए चावल भी है, और अंकल अगर खाएंगे तो खीर पूरी खा लेंगे और मैं भी तो थोड़ी सी खा लूँगी, तो हो जाएगा। और आज का डाइट मेरा पूरा उल्टा हो गया, मैं कुछ भी डाइट मतलब अच्छे से नहीं कर पाई, अच्छे से मतलब खाना जितना मैं ले थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आज, क्योंकि ऑब्वियसली बात चिकन रहता है, चिकन तो अच्छा ही लगता है इसलिए। तो मैं जस्ट अभी ग्रीन टी खा के आई हूँ, और मैं इस टी गार्डन के बीच हूँ ना, नया नया जो चाय के पत्ती का सीजन है ना अभी आ रहा है, तो पत्ती अच्छा सा निकला है, तो पूरा ग्रीन दिख रहा है, देखिए पीछे नीचे देखिए, और मुझे देखने में पता नहीं क्या भूतनी जैसे दिख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बालों को मैं खुला रखी हूँ। तो मैं जाऊँगी, मैं सोई थी एक्चुअली, फ़ोन आ गया था तो मैं इधर आई, तो अभी जाऊँगी, थोड़ा बहुत काम सब है वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो चला गया होली, आ भी गया, चला भी गया। और ये ना कुछ भी अगर फेस्टिवल हो, आने का टाइम अच्छा लगता है, जाने का टाइम अच्छा नहीं लगता है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो गाइस मैं अभी पूरी बनाने के लिए ये आटा गूंद के, ये क्या कहते हैं इसे, लोई कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तो मैं अभी पूरी बनाऊंगी, और ये सब ना हमें देने में चला जाएगा, और थोड़ा सा मुझे आटा गूंदना है, तो हमारे लिए वो मैं बाद में बना लूँगी, ये देने के लिए स्टेप। और ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा रखी हूँ, क्योंकि ना मुझे ना थोड़ा सा मोटा टाइप का पूरी होता है ना, वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए ये बड़ा, बहुत बड़ा नहीं होगा बट थोड़ा थोड़ा मोटा होगा ये। तो देखिए मैंने ये गूंद लिया है, और ये आटे की पूरी है, तो मुझे आटे की पूरी ज़्यादा अच्छा लगता है मैदा की पूरी से, और मैदा खाना हेल्दी के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए मैं इसे बना के पहले गेस्ट को सबको दे देती हूँ, उसके बाद फिर हमारे लिए बनाऊंगी। और ये कैट को देखिए बैठ के मुझको देख रहा है, हाय, वो देखिए, आई आई पुश पुश पुश। तो मैं ना जब भी काम करती हूँ ये मेरे आसपास घूमते रहता है, और यहाँ पे बैठा हुआ है, मुझको देख रही है अभी। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप सबसे। Thank you.
तो देखिए मैंने पूरा प्लेट रेडी कर दिया है, तो बस कुछ नहीं, हम खीर और पूरी ही देंगे, तो तीन घर में देना है। तो देखिए सब हिसाब करके मतलब किसको कितना देना है, तो प्लेट उस हिसाब से रेडी किया हुआ है। दीबो बाबा बड़ो माँ बाड़ीते, तो चलिए छोड़ो, एक तो छोड़ो, छाया हो, तो चलिए इसे दे के आते हैं। तो आज जिनके घर में दे रहे ना उनका भेज है बना, मैं चिकन भी देती तो इसलिए खीर और ये पूरी देना पड़ रहा है। तो चलिए देखे आते हैं। परवा आकर नहीं देते, बाबा दीदुन जाते तो बड़ो माँ बाईते जाबा, तुम्हें जूतू पड़े आसो, अंधेरा है काफी अंधेरा, आसो आसो जा। हाँ तुम जाओ ना, मैं आगे तो जाओ, जूतू पोचो की ना दलो, ओ जाओ। तो काफी अंधेरा है और मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि सब घर फाका हो जाएगा नहीं तो। और रात को मैं दिखा रही हूँ ये जो टीन कल दिखाई थे, देखे ये यहाँ पे हम लगा दिया है वहां से लेकर यहाँ तक। उस टाइम में थोड़ी सी एक झलक आप सबको दिखाई थी, और ये जगह फाका है, यहाँ पे कल लगेगा। तो ये पूरा ओपन है, पता है रात को बाघ आ जाता है ना, इसी का बहुत ज़्यादा डर है, और कुछ कुछ भी डर नहीं है। हमारे यहाँ पे गाड़ी भी बाहर ही रहता है तो कुछ डर नहीं है, चोरी का कोई बात ही नहीं है, बस टाइगर का डर लगता है और कुछ नहीं। तो देखिए अच्छा लग रहा है ये बाउंड्री देने के बाद, और उधर गेट जो है वो गेट भी टूट गया है तो उसे भी नया तरीके से फिर से बनाएंगे। और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ और लगाऊँ, जैसे मिर्ची टमाटर और सब लगाने का मुझे मन है, देखती हूँ अगर मैं जाऊँ तो लेके आऊँगी। सो गाइस खुशी और माँ चली गई पड़ोस के घर में देने के लिए, और मैं अभी हूँ घर में अकेले क्योंकि आ जाएंगे माँ लोग, अभी आ जाएंगे। तो क्या है ना गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही यार पता नहीं मेरा इतना ज़्यादा पसीना निकलने लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वेट करती हूँ मैं, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यार सुबह से। मतलब काम तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी से ना इधर उधर करते करते सारा दिन निकल ही जाता है, तो पूरे दिन में भी थोड़ी सी भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। और अभी पूरी और खीर सब बना के भेज दी तो वो हो गया, और हमारे लिए डिनर में देखते हैं क्या बनाते हैं, अगर मेरे बाबा नहीं आएंगे तो उसी से हमारा हो जाएगा, और मैं तो खाती हूँ थोड़ी सी, तो और माँ भी थोड़ी सी खाती है, हो जाएगा उससे। तो बस यही था मेरा होली सेलिब्रेशन का छोटू सा एक व्लॉग। तो कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग, मुझे पता है उतना अच्छे से मैं नहीं इसे मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो जितना भी हो सके मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। तो बताइएगा कमेंट में कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग। तो चलिए गाइस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस लग रही है, तो मैं थोड़ी सी अभी रेस्ट करूँगी और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय, और देखिए बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना हो रही हूँ, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय।